ओके सर, चलो गुड मॉर्निंग, लेट्स स्टार्ट। पहले होमवर्क चेक करते हैं, देन विल गो अहेड। होमवर्क में आई गेस वी हैड क्वेश्चंस 26, 27, करेक्ट? फाइन। 26 का आंसर क्या आया बोलो? ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स, ओके। और 15,000, सबका यही आया है, ओके। लेट्स चेक चेक करते। रीऑर्डर लेवल दिया है, ईओक्यू दिया है, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज लीड टाइम, एंड दे आर सेइंग डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लीड टाइम एंड मैक्सिमम लीड टाइम इज 4 डेज। ठीक है, एवरेज 6 है एंड मिनिमम मैक्सिमम का डिफरेंस 4 है। कैन आई से एवरेज इज इक्वल टू मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2 लीड टाइम। हाँ, एवरेज लीड टाइम 6 है विल बी इक्वल टू मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस 4 है, तो कैसे लिख सकते हैं उसको हम? लेकिन मैक्सिमम माइनस मिनिमम 4, अच्छा ठीक है, दो इक्वेशंस कर सकते हैं, चलेगा। या फिर कैन आई डू इट लाइक दिस, मिनिमम प्लस 4, करेक्ट? करेक्ट, इज इक्वल टू 2, सॉरी डिवाइड बाय 2, सो 12 इज इक्वल टू, क्योंकि मिनिमम प्लस 4 मैक्सिमम आएगा, उनका डिफरेंस 4 है इसलिए, तो मिनिमम प्लस मिनिमम इज 2 टाइम्स मिनिमम प्लस 4, सो 2 टाइम्स मिनिमम इज इक्वल टू 8, सो मिनिमम इज इक्वल टू 4 डेज। मिनिमम 4 डेज है तो मैक्सिमम लीड टाइम 8 डेज होगा, करेक्ट? अभी ऑब्वियसली आप ओरली भी कर सकते हो, क्योंकि 6 है और 4 का डिफरेंस है, तो दो दो दोनों साइड को होगा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाना पड़ेगा। सो मिनिमम लीड टाइम 4 डेज, मैक्सिमम लीड टाइम 8 डेज। ठीक है, अब कंजम्पशन निकालना है हमें, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए मिनिमम कंजम्पशन के लिए? ओके, मैक्सिमम के लिए मतलब हम आरओएल का यूज कर सकते हैं, ठीक है, एंड मिनिमम के लिए, करेक्ट, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का यूज कर सकते हैं, वहां पे आता है। सो आरओएल दिया है 1,67,000 यूनिट्स। आरओएल कैसे आता है फॉर्मूला, एनीवन? करेक्ट, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम 8, तो मैक्सिमम लीड टाइम आएगा 1,61,000 डिवाइड बाय 8, सॉरी मैक्सिमम कंजम्पशन आएगा 1,61,000 डिवाइड बाय 8, 20,000, करेक्ट है, गुड। एंड मिनिमम के लिए अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू एनीवन? करेक्ट, तो उसमें से सब दिया है, बाकी 1,90,000 इज इक्वल टू 90,000 प्लस 1,60,000 माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम 4 डेज, करेक्ट? तो ये आएगा 1,00,000, करेक्ट है। सो मिनिमम कंजम्पशन पर डे इज 15,000 यूनिट्स, गुड। तो 20,000 यूनिट्स पर डे एंड 15,000 यूनिट्स पर डे आर द करेक्ट आंसर्स। सब क्या है, गुड? किसी को कुछ डाउट है? नो, ओके, नेक्स्ट 27। की कंपनी सप्लाइज क्रॉकरी टू फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स इन मेट्रोपोलिटन सिटी। वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज अ स्पेशल बोल डिस्पोजेबल आफ्टर इनिशियल यूज फॉर सर्विंग सूप्स टू इट्स कस्टमर्स। बोल्स आर सोल्ड इन अ पैक ऑफ 10 पीसेस एट अ प्राइस ऑफ 50 पर पैक। मतलब मुझे बोलो, उनका जो सेल का यूनिट है वो एक बोल है या पैक ऑफ बोल्स है?
पैक है, करेक्ट, उनका पैक ही एक यूनिट है उनका। द डिमांड फॉर इट हैज बीन फोरकास्टेड एट अ फेयरली स्टेडी रेट ऑफ 40,000 पैक्स पर एवरी ईयर। कंपनी परचेसेस द बोल्ड डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एट 40 पर पैक विद इन अ 3 डेज लीड टाइम। द ऑर्डरिंग एंड रिलेटेड कॉस्ट इज 8, स्टोरेज कॉस्ट इज 10% पर एनम ऑफ एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। कैलकुलेट ईओक्यू 400, सो ईओक्यू विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू एनुअल रिक्वायरमेंट इज हाउ मच 40,000, करेक्ट, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डायरेक्टली दिया है 8 एंड डिवाइडेड बाय, करेक्ट, 40 का 10% क्योंकि पर पैक ही लेना है हमें, सो दैट शुड बी, लेट मी जस्ट कंफर्म वंस, 2 इनटू 40,000, करेक्ट, 400 पैक्स विल बी आर ईओके। ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स नीडेड एवरी ईयर। तो 40,000 पूरे साल में रखते हैं तो कितने ऑर्डर्स लगेंगे, 100, करेक्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी 40,000 डिवाइड बाय 400, 100 ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट निकालता हूँ, चेक कर लो, ऑर्डरिंग कॉस्ट, करेक्ट, 100 ऑर्डर्स है तो 100 ऑर्डर्स इनटू रुपीस 8 पर ऑर्डर, तो 800 इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, दैट इज करेक्ट, एंड कैरिंग कॉस्ट ऑब्वियसली सेम आएगा, ईओक्यू है तो, बट फिर भी निकालना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कैसे निकालेंगे, ईओक्यू मतलब आरओक्यू बाय 2, हाँ, इनटू, करेक्ट, मतलब ये डिनोमिनेटर 4, तो दैट ऑल्सो कम्स टू 800, फाइन, आया सबका यहां तक। Has anyone got answer to this fourth one? आरोल नहीं पूछा उन्होंने, अच्छा ओके, देखो उन्होंने क्या पूछा है, when the next order should be placed, मतलब they're asking कि कब place करना चाहिए, कब time wise कब place करना चाहिए। तो यहाँ पे वो जो तुमने निकाला है, वो जो तुमने निकाला है, try to use it here, when the next order should be placed, देखो, assuming that the company, एक चीज यहाँ पे does नहीं चाहिए, does not चाहिए यहाँ पे, does not, एवरेज लीड टाइम भी नहीं निकालना है, दे आर आस्किंग व्हेन द नेक्स्ट ऑर्डर शुड, नेक्स्ट मतलब वो पूछ रहा है कि आज से नेक्स्ट ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए। देखो ओके, एक तो ये डज नॉट है, मैं आपको उस दिन बोलना भूल गया, डज नॉट मेंटेन चाहिए यहाँ पे, करेक्ट करता हूँ मैं वो बाद में। द थिंग अज्यूमिंग दैट द कंपनी डज नॉट मेंटेन अ सेफ्टी स्टॉक एंड दैट द प्रेजेंट इन्वेंट्री लेवल इज 333 पैक्स, मतलब अभी आज कितना स्टॉक है उनके पास, 333 पैक्स, सो दे आर आस्किंग कि नेक्स्ट ऑर्डर कब प्लेस करें। ROL से भी निकाल सकते हो, डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, सोचो थोड़ा सा, मिनिमम लेवल होगा ही नहीं, करेक्ट, डज नॉट मेंटेन सेफ्टी स्टॉक, वापस इसको वापस बोलते हैं, डज नॉट मेंटेन सेफ्टी स्टॉक एंड प्रेजेंट इन्वेंटरी लेवल 333 पैक्स। ROL से गए तो भी चलेगा, बट ट्राई टू थिंक की आज इनके पास इतनी इन्वेंटरी है तो उन्हें ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए, आज, कल, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 100 डेज बाद, कब। आई डोंट नो, फाइनल आंसर एनीवन,
अच्छा हिंट मतलब देखो, अल्ताफ जो बोल रहा था, मुझे बोलो उनका डेली कंजम्पशन कितना है, पूरे साल में कितने, करेक्ट, पूरे साल में कितने यूज करते वो यूनिट्स, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 40,000 पैक्स। तो फिर 360 डेज है अगर एक साल में, तो डेली रिक्वायरमेंट कितनी है उनकी, निकालो सब लोग। इज इट 111 यूनिट्स? फाइन, तो अगर डेली उनको 111 यूनिट लगता है, तो आपका आंसर अब तक आना चाहिए था। अब नो, मुझे बोलो अगर डेली रिक्वायरमेंट 111 है, तो इनका आरओएल क्या आएगा, रीऑर्डर लेवल। अब यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है हमारे पास, हमें एवरेज ही लेना पड़ेगा, एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन। एवरेज लीड टाइम कितना है क्वेश्चन में, 4 डेज नहीं है, थ्री डेज, करेक्ट, यहाँ पे दिया देखो 3 डेज। तो अगर 3 डेज एवरेज लीड टाइम है, तो कहने से आरओएल आएगा 3 × 111, 3 इज 333 यूनिट्स पैक्स। मुझे बोलो आज कितनी इन्वेंट्री है उनके पास, 333 पैक्स, मतलब कहने से अभी वो आरओएल पे ही है, तो उन्हें नेक्स्ट ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए, आज, मतलब कैसे, इमीडिएटली। लेकिन सेफ्टी स्टॉक क्या, कितना ऐड किया तुमने, अच्छा 330 तुमने सेफ्टी स्टॉक अज्यूम किया इसलिए, हाँ राइट, नहीं वो मैं बोलना भूले आपको, डज नॉट, करता हूँ मैं करेक्ट वो नेक्स्ट टाइम से। बट ये समझा के बोलो सबको। तो ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, वो जो स्पेशल एडजस्टमेंट्स लिखे उसमें रेफरेंस दे दो 27th क्वेश्चन का, क्योंकि बाकी सब क्वेश्चंस सेम 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 ही आ रहे हैं अगर आपने देखा तो। जो भी अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं रेफर कर दो उनको, स्पेशल एडजस्टमेंट्स में लिख लो एक, नेक्स्ट ऐड कर दो। समटाइम्स डेट व्हेन नेक्स्ट ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड, डेट व्हेन नेक्स्ट ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड, हाँ मे बी आस्क्ड फ्रॉम आर ऑयल, नोटबुक के लास्ट पेज। जैसे क्वेश्चन नंबर 27, तो हम क्वेश्चन पाए डेट व्हेन नेक्स्ट ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड, मे बी आस्क्ड फ्रॉम आर ऑयल, कि कब नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, वो पूछ सकते हैं वो। हाँ वो जो हमने हेडिंग दिया था ना, ये स्पेशल एडजस्टमेंट वाला, डन, लिखा सबने, ठीक है, चलो लेट्स गो टू, लेट्स ट्राई टू फिनिश दिस पार्ट।
लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 के जैसे क्वेश्चंस 10 मार्क्स को आ सकते हैं, तो केयरफुली देखो 18th क्वेश्चन क्या है। सिंपल है बट थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन है उसमें, कॉन्सेंट्रेट। द क्वार्टरली प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनीज प्रोडक्ट विच हैज अ स्टेडी मार्केट इज 20,000 यूनिट्स। ईच यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट रिक्वायर्स हाफ के जी ऑफ रॉ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर फॉर रॉ मटेरियल इज 100 रुपीज एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 2 रुपीज पर एनम। मतलब पर यूनिट भी होगा ऑब्वियसली, तो वो परसेंटेज करके ही दिया उन्होंने डायरेक्टली। लीड टाइम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल 36 डेज एंड अ सेफ्टी स्टॉक ऑफ 1,000 kgs ऑफ रॉ मटेरियल इज मेंटेन्ड बाय द कंपनी। द कंपनी हैज बीन एबल टू निगोशिएट द फॉलोइंग डिस्काउंट स्ट्रक्चर विथ रॉ मटेरियल सप्लायर। 6,000 तक ऑर्डर क्वांटिटी होगी तो दे गेट 0 डिस्काउंट। इस रेंज में दे गेट 400 रुपीज का डिस्काउंट, इस रेंज में दे गेट 2,000 रुपीज का डिस्काउंट एंड सो ऑन। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट री ऑर्डर पॉइंट टेकिंग 30 डेज इन अ मंथ। री ऑर्डर पॉइंट मतलब क्या होगा? करेक्ट, मतलब ROL। तो फॉर्मूला नोटबुक में ROL के यहाँ पे जाके रीऑर्डर पॉइंट यहाँ सा लिख दो, सो दैट कंफ्यूजन नहीं होगा आगे जाके कभी। फॉर्मूला नोटबुक में ROL के यहाँ पे जाओ और रीऑर्डर पॉइंट ऐसे भी लिख दो कहीं पे। एंड सिर्फ फर्स्ट पार्ट सॉल्व करो, टेल मी फाइनल आंसर, एटली फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर, ROL का फाइनल आंसर। नहीं नहीं फर्स्ट पार्ट मतलब ROL। लेट्स सी हु गेट्स ROL, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। रीड एंड सॉल्व। एक तो मुझे बोलो, आपको ये समझना चाहिए कि ROL का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब नॉर्मल वाला करना है क्या? नॉर्मल वाला करना नहीं है, सेफ्टी स्टॉक दिया है मतलब मिनिमम स्टॉक लेवल दिया है। राउंड ऑफ कर सकते हो, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करके वो एग्जैक्ट हो रहा है तो मत करो फिर राउंड ऑफ। ओके हाउ मच? ओके लेट मी चेक। अच्छा 2,000 ना वापस। वापस Anyone else? वापस
एनीवन एल्स, एनी आंसर? ओके रुकता हूँ। रीड द क्वेश्चन केयरफुली अलता। लैक्स में नहीं है आंसर। क्यों, क्या रहा है? अच्छा ओके देखते। लीड टाइम तो 36 ही है, तो दिया है। सम मिस्टेक, देखो केयरफुली। चार डिजिट का ही आंसर है। फाइव थाउजेंड इज करेक्ट। गुड। अच्छा, अब रिवर्स वर्क करके देखो, है ना अलता? चलो सॉल्व करें क्या? काव्य, आकांक्षा, एनीथिंग? ओके ओके लेट्स ट्राई टू सॉल्व। देखो, आर ओ एल का फॉर्मूला क्या है? पहले तो कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है यहाँ पे? करेक्ट, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। ठीक है, इसमें से प्रॉब्लम क्या है, क्या नहीं है हमारे पास? एवरेज कंजम्पशन नहीं है सर, एवरेज कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। लीड टाइम डेज में, मतलब कहने से एवरेज कंजम्पशन भी पर डे निकालना पड़ेगा, राइट? ठीक है, एवरेज कंजम्पशन पर डे। अब मुझे बोलो कितने यूनिट्स लगते हैं उनको? 20,000। बट वो 20,000 रॉ मटेरियल के यूनिट्स है क्या? नहीं, करेक्ट। 20,000 यूनिट्स ये कंपनी का फिनिश प्रोडक्ट का डिमांड है। उसको हर एक यूनिट को 0.5, हाफ केजी रॉ मटेरियल लगता है। मतलब इसको हाफ केजी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड विश्वजीत, इसमें क्या करना पड़ेगा? और इनटू फोर करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज क्वार्टरली। फर्स्ट लाइन क्वेश्चन का पढ़ो, वहां पे बोला है क्वार्टरली प्रोडक्शन। मतलब एक मिस्टेक की वजह से कितने 3 मार्क्स गए आपके? 2-3 मार्क्स। तो क्वार्टरली प्रोडक्शन तो इनटू फोर करना पड़ेगा, एंड डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय कितने डेज? 360 डेज, क्योंकि 30 डेज इन अ मंथ बोला मैंने, तो 12 मंथ में 360 डेज आएंगे। तो अब ये बोलो कितना आता है मुझे? वन 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 पॉइंट वन वन यूनिट्स आता है। देखो, यूनिट्स नहीं, की चीज राउंड ऑफ किया तो भी चलेगा, लेकिन राउंड ऑफ नहीं किया ना, तो वो आरओएल अच्छा आ रहा है थोड़ा सा। तो आर ओ एल विल बी मिनिमम स्टॉक लेवल विच इज 1,000 kg प्लस एवरेज कंजम्पशन इज 1,111.111 kg पर डे इंटू 36 डेज। हाउ मच इज दिस? 5,000 kg। हैज एवरीवन गॉट 5,000 kg?
रघुन वाई लेट? अलार्म नहीं बजा, गुड। अब एक ऐसे सर्विस स्टार्ट करते हैं हम कि सुबह आपको कॉल करेंगे सबको, एंड हाँ जब मैं उठूंगा तो मैं सबको कॉल करूंगा। ठीक है, फिर भी ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट प्रगुन कर सकते हो तुम। ये पार्ट छोड़ दो अभी, 5000 समझा सबको? नहीं, ऑब्वियसली तुम्हें नहीं समझेगा प्रकुल, बाकी लोगों को समझा है क्या? अरे अच्छा, क्या सबको ही ऐसे अटक रहा है क्या? हाँ ये से प्रकुल देख लो। ठीक है, अब चलो सबको समझा है क्या, बोलो फास्ट। हाँ क्लियर, एक काम करो, वो स्पेशल एडजस्टमेंट में जाके और एक पॉइंट लिख दो छोटा सा कि पे अटेंशन टू वर्ड्स लाइक व्हाट। करेक्ट, क्वार्टरली, मंथली, मंथली भी था एक दो जगह पे ना, हाफ ईयरली कहीं पे आया तो, स्पेशली फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट, मतलब वही पे लगेगा वो। करेक्ट, मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट निकालते वक्त यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली, ठीक से देख रहे हो ना आप? ओके, तो चलो सेकेंड पार्ट पे जाते हैं क्वेश्चंस के, क्वेश्चन के। नाउ कॉन्सेंट्रेट केयरफुली। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल आफ्टर कंसिडरिंग द डिस्काउंट इफ द कंपनी इलेक्ट्स टू प्लेस 1, 2, 4 और 6 ऑर्डर्स इन द ईयर। मतलब कंपनी ने इतने ऑर्डर्स प्लेस किए एक साल में तो कितना कॉस्ट आएगा, सब पूछ रहे। मतलब कह रहे हैं उल्टा दिया है, आरओक्यू से नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालता है, हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स से आरओक्यू निकालना है यहाँ पे, इज दैट करेक्ट? ओके, तो प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं बोलो, कैन बी प्रेजेंट इन अ टेबल? टेबल में प्रेजेंट कर सकते हैं क्या? पर्टिकुलर्स, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 6 ऑर्डर, राइट? तो चलो स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट, करेक्ट, स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एट डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्डर्स, पर्टिकुलर्स एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स 1, 2, 4, 6। क्या कहा भाई? अच्छा ये जीमेल वाले अकाउंट पे क्या? हाँ कर सकता हूँ एक्चुअली, वो जीमेल का अकाउंट पे दिखता नहीं ना कहीं पे, इसलिए। हाँ ये यहाँ पे कॉर्नर में डाला है, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे।
हुआ। ओके, इतना स्टेटमेंट बनाया क्या? कैन वी गो अहेड? तो चलो, अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिया तो आरओक्यू तो हमें निकालना पड़ेगा। पूरे साल का एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है हमारा? हमने निकाला है ऊपर एनुअल रिक्वायरमेंट। करेक्ट, ये इसका न्यूमरेटर ना, ये पूरा इज इट 40,000 केजीज। ठीक है, तो एक ऑर्डर मतलब आरओक्यू कितना आएगा? करेक्ट, पूरा 40,000 केजीज। दो ऑर्डर्स मतलब करेक्ट 40,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। दो ऑर्डर्स मतलब 20,000 पर ऑर्डर करना पड़ेगा। चार ऑर्डर्स मतलब 10,000 एंड सिक्स ऑर्डर्स मतलब सिक्स 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 पॉइंट सिक्स। अब आरओक्यू है तो सब लोग खुद से कर सकते हो क्या? ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड डिस्काउंट। यस नो? अच्छा, क्वेश्चन में निकालना क्या है? प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज आफ्टर कंसिडरिंग डिस्काउंट। ऑर्डरिंग, कैरिंग एंड डिस्काउंट, इसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। फाइन, मुझे बोलो डिस्काउंट इस टेबल से समझ सकता है आपको? ये आरओक्यू के लिए डिस्काउंट दिया उन्होंने, तो करो सॉल्व, फिनिश दैट स्टेटमेंट। फाइनल टोटल चाहिए मुझे आरओक्यू। करेक्ट, डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट माइनस डिस्काउंट करना पड़ेगा। करेक्ट, आकांक्षा तुमने लेक्चर देखा है क्या? मिस जो किया था वो, हो क्या कॉल में तुम? तुम्हारा रिप्लाई नहीं आ रहा है भी। सर क्या? बोलो काव्या। आरओक्यू और कैरिंग कॉस्ट सेम आ रहा है क्या? हाँ सेम होगा, करेक्ट, क्योंकि डिवाइड बाय टू इंटू टू कर रहे हो ना आप लोग। करेक्ट है, सेम आ रहा है वो।
हो गया। ओके करते हैं चेक, सब लोग बोले होने के बाद फिर चेक करते हैं। बोलो। नहीं, 400 डिस्काउंट रुपीज दिया है ना सर, इट इज नॉट डिस्काउंट पर ऑर्डर या डिस्काउंट पर यूनिट, ऐसा नहीं दिया है राइट। तो इतना ही डिस्काउंट अज्यूम करना पड़ेगा हमें, हाँ मतलब इतना ही डिस्काउंट है टोटल, ऐसा ही अज्यूम करना पड़ेगा हमें। करेक्ट है, वैलिड डाउट है। अगर डिस्काउंट उन्होंने रुपीज दिया है सिर्फ, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि डिस्काउंट पर यूनिट या पर ऑर्डर, तो डायरेक्टली टोटल ही मतलब वो डिस्काउंट। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आया तो 10 मार्क्स को आएगा एग्जाम में, क्योंकि बड़ा है साइज वाइज, तो बोनस मार्क्स है एकदम। क्या चैप्टर बाकी है और? अभी तो हम इन्वेंटरी कंट्रोल के फर्स्ट वे पे है, कौन सा, यूजिंग क्वांटिटेटिव लेवल्स। इसके बाद में रिलेटिव क्लासिफिकेशन, रेशियो एनालिसिस, एंड लास्ट वाला क्या था, फिजिकल कंट्रोल देखना है। उसके बाद हमें इश्यू प्रोसीजर देखना है, देन द चैप्टर इज ओवर। मटेरियल लेबर ओवरहेड, ये तीन मिलके अराउंड, इट गोज फॉर अराउंड मोर देन अ मंथ। उसके बाद एक बार आपको बेसिक समझ में आया तो फिर फास्ट फास्ट, कॉस्ट शीट तो एक दिन का चैप्टर है, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन इंटरेस्टिंग चैप्टर, वहां पे तो अकाउंटिंग करना है, लेजर्स वगैरह बनाने, तो मजा आता है उसमें। एग्जाम में हाँ वही जैसा मैंने बोला लास्ट वाला, प्रैक्टिकल ज्यादा आता है। डन। विश्वजीत क्या हुआ, कुछ रिप्लाई नहीं आया बहुत देर से। वाह ओके, विश्वजीत तुम ही मुझे बोलो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, मतलब क्या लिखूं मैं पर्टिकुलर कॉलम में। करेक्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कितना है वो कॉस्ट पर ऑर्डर, 100। करेक्ट, तो 100, 200, 400, 600 कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कैरिंग कॉस्ट विल बी ROQ/2 इंटू 2 ही आएगा, ₹2, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर अनुम भी 2 ही है, मतलब ROQ जितना ही कैरिंग कॉस्ट आएगा। सो 40,000, करेक्ट, 20,000, 10,000, 6667 रुपीज कर सकते हैं चाहिए तो। देन डिस्काउंट, डिस्काउंट ऐड करना है क्या, ये कॉस्ट है तो उसमें से डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा राइट, कॉस्ट कम होगा डिस्काउंट की वजह से। 40,000 ROQ है तो कौन से स्लैब में जा रहा है, कितना डिस्काउंट मिलेगा, करेक्ट, ये वाला 4,000 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा, तो 4,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब आइडिया मटेरियल चैप्टर में आपको बता नहीं रहा हूँ, लेकिन इसके आगे ना एक आदत डाल दो, मैं खुद भी नहीं किया मैंने यहाँ पे, बट आगे जाके बहुत ज्यादा नंबर जब आएंगे ना, तो मेक इट अ हैबिट कि कॉमर्स दो नंबर्स में।
मुझे वो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है क्योंकि मैं मैथ्स से जब कॉस्टिंग में स्विच करता हूँ हर रोज, तो मैथ्स में तो कॉमर्स नहीं देता हूँ, बट कॉमर्स देने की आदत डाल दो क्योंकि अदरवाइज जीरोस का मिस्टेक बहुत होता है आगे जाके। तो 20,000 यूनिट्स के लिए कितना डिस्काउंट मिलेगा? 3,200। 320 क्या? अच्छा 10,000 के लिए 2,000। हाँ बोलो काव्या। हाँ वही तो मैंने वही बोला मैंने कि यहाँ पे डिस्काउंट पर ऑर्डर ऐसा बोला क्या उन्होंने? नहीं राइट, तो इसलिए आइडियली वैलिड डाउट है, लेकिन अब तुमने सिर्फ डिस्काउंट बोला है तो कहने से वी शुड अज्यूम टोटल डिस्काउंट Yes. राइट। क्योंकि फिर क्या हुआ काव्या, देखो अगर पर ऑर्डर डिस्काउंट लिया ना तो लॉजिकली भी सोचो फिर यहाँ पे 6,400 आएगा काव्या राइट। लेकिन मुझे बोलो इस लेवल से ज्यादा डिस्काउंट इस लेवल पे देंगे, ऐसा होगा क्या कि कम परचेस किया तो ज्यादा डिस्काउंट दे रहे, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं रे। ठीक है लास्ट इसमें कितना आ रहा है डिस्काउंट? इज इट 400? नहीं हाँ 2,400 करेक्ट। तो टोटल निकालते हैं नेट कॉस्ट, यहाँ पे परचेस कॉस्ट भी ऐड कर देते हम लेकिन दिया ही नहीं है उन्होंने परचेस कॉस्ट, तो नहीं ऐड कर पाएंगे। तो नेट कॉस्ट आ रहा है 36,100, देन 23,000, देन 8,400 एंड 23। नहीं अच्छा मैंने ऐड कर दिया गलती से, सेवेंटीन थाउजेंड आएगा। 8,400 एंड ये कितना आ रहा है? सिक्स एट सिक्स सेवन आए सबके कॉस्ट मैच हो रहे। उन्होंने पूछा है क्या कि कंपनी ने कौन सा लेवल एक्सेप्ट करना चाहिए वो बोलो, ऐसा पूछा है क्या उन्होंने? आर दे आस्किंग हाउ मेनी ऑर्डर टू द कंपनी प्लेस? नहीं पूछा, मैंने सिर्फ बोला कि प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट बोला है। दे आर नॉट आस्किंग कि हाउ मेनी ऑर्डर शुड द कंपनी प्लेस इन अ ईयर। अगर पूछा नहीं तो कुछ एडवाइस देने जाना है क्या उनको? अगर पूछा नहीं है क्या? नहीं, वो तो ईओ क्यू का है नेक्स्ट पॉइंट, वो तो अलग है। इसमें नहीं पूछा है, नहीं पूछा है तो हम लिखेंगे क्या नीचे कि इतने ऑर्डर्स प्लेस करो, ऐसा कुछ खुद से एडवाइस देने जाना है क्या उनको? नहीं नहीं करना एग्जाम में। हाँ एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं देना एग्जाम में, यू शुड नॉट राइट। अगर पूछा नहीं तो मत लिखो कि कंपनी शुड प्लेस सिक्स ऑर्डर्स ऐसे। चलो थर्ड पार्ट पे जाते हैं क्वेश्चन के। स्टेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स विच द कंपनी शुड प्लेस टू मिनिमाइज द कॉस्ट आफ्टर टेकिंग ईओ क्यू इनटू कंसीडरेशन। करो अब तक आना चाहिए था ईओ क्यू। आर ओ क्यू निकाला है क्या हमने अलता? अच्छा अच्छा आर ओ क्यू। अरे अल्ताफ ये जो है ये ईओ क्यू मॉडल, मुझे बोलो ये ईओ क्यू मॉडल यूज करके निकाले थे क्या हमने वो चार? तो ईओ क्यू मॉडल कंसिडर किया तो कितना आएगा ऐसा पूछ रहे हो? ओके एनीवन एल्स?
टू इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। काव्या टेल मी व्हाट टू इंटू 40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 2। करेक्ट। क्वार्टरली का किया ना हमने, क्वार्टरली को इनटू फोर करके ही 40,000 आया ना काफी। ये देखो राइट। हाँ तो 2,000 आ रहा है ईओक्यू। हाँ सबका आया क्या 2,000? हाँ तो ईओक्यू पे कॉस्ट कितने होंगे निकाल के रखते हैं। चलो कॉस्ट एट ईओक्यू कितने ऑर्डर्स प्लेस। एक तो उन्होंने ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछा, वो अलग से प्रेजेंट करना पड़ेगा। रुको, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ये ऐसा पूछा लिखते वक्त कि स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स विच द कंपनी हैज टू प्लेस। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पहले अलग से निकाल के लिखना पड़ेगा हमें। 2,000 यूनिट से तो कितने ऑर्डर्स लगेंगे? ट्वेंटी ऑर्डर्स। सबका आया क्या? ठीक है। अब कॉस्ट भी निकाल के रखो। और 2,000 ही आएगा ऑर्डरिंग और कैरिंग दोनों, राइट? मतलब 4,000 टोटल कॉस्ट आ रहा है। तो 20 × 100 ना। कैरिंग कॉस्ट आर ओ क्यू बाय 2 × 2। इज देर एनी डिस्काउंट एट दिस लेवल? 2,000 यूनिट्स पे कुछ डिस्काउंट है क्या क्वेश्चन में? देखो नहीं है, तो डिस्काउंट माइनस नहीं, मतलब आया टोटल 4,000 कॉस्ट आ रहा है। मतलब कहने से इवन इफ वी डोंट गेट डिस्काउंट फिर भी आर ओ क्यू पे ही सबसे कम कॉस्ट आ रहा है। देखो ये चारों लेवल से इज इट करेक्ट? रुको अकाउंट्स आपको मैं ऐड करता हूँ। क्या? हाँ नहीं बट लेकिन अल्ताफ ईओ की मिनिमम कॉस्ट आता है ऐसा हमेशा नहीं होगा। अगर डिस्काउंट है तो, डिस्काउंट है तो इट इज पॉसिबल कि दूसरे लेवल पे अलग कॉस्ट आए, क्योंकि ईओ क्यू में आर बी कंसिडरिंग डिस्काउंट एनीवेयर? नो राइट। ठीक है क्लियर टू एवरीवन? कैन वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो हाँ हाँ ईओ क्यू ज्यादा आता तो उसमें भी डिस्काउंट आता, फिर वो भी कंसिडर करना पड़ता हमें। करेक्ट। हाँ करेक्ट ना, हमारा ईओ क्यू अगर 10,000 आता तो 2,000 और कॉस्ट भी माइनस कर देते उसका डिस्काउंट। करेक्ट करेक्ट। मिनिमम नहीं आता फिर, बिकॉज दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ ईओ क्यू अल्ताफ, अंडरस्टैंड? ईओ क्यू फॉर द फॉर्मूला ऑफ ईओ क्यू डज नॉट कंसिडर चेंज इन परचेस प्राइस एनीवेयर, राइट? तो दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ ईओ क्यू। नंबर ऑफ, नहीं वो तो मैं वैसे ही बोला, देखो नंबर ऑफ ऑर्डर्स एट ईओ क्यू ही बोला है ना उन्होंने, वैसे भी उन्होंने बोला नंबर ऑफ ऑर्डर्स द कंपनी शुड प्लेस आफ्टर टेकिंग ईओ क्यू इनटू कंसीडरेशन। मतलब दे आर जस्ट आस्किंग इन अदर वर्ड्स, ईओ क्यू वाले नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछ रहे हैं ना अल्ताफ वो।
फाइन, बट करेक्ट है, फिर ईओक्यू पे मिनिमम नहीं आता फिर। ठीक है, ये 17th क्वेश्चन पे आओ, होमवर्क है वो, देख लो एक बार। आरएसटी लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ मटेरियल्स एज अंडर। अब ये थोड़ा सा अलग दिया है इन्फॉर्मेशन, डिस्काउंट मतलब उन्होंने प्राइस दिया है, प्राइस पर टन अगर लेस देन 50 ऑर्डर साइज है तो इतना प्राइस देना पड़ता है हमें, 50 to 100 तो थोड़ा सा कम प्राइस देना पड़ता है, फिर और थोड़ा कम और थोड़ा कम, मतलब कहने से वो डिस्काउंट ही है इन अदर वर्ड्स। एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर द मटेरियल इज 500 टन, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज दिस, कैरिंग कॉस्ट इज दिस रिक्वायर्ड, कंप्यूट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेस लेवल। अब मोस्ट इकोनॉमिकल परचेस लेवल मतलब, अब मुझे बोलो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस दिए थे हमें चार, कि 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 4 ऑर्डर और 6 ऑर्डर पे करो, यहाँ पे उन्होंने ऐसे ऑप्शंस नहीं दिए, तो हमें खुद से ही कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करो सब लोग, हर एक में से एक्सट्रीम पॉइंट्स लो, जैसे कि लेस देन 50 ऑर्डर साइज है तो आरओक्यू को 49 लेके देखो, देन 50 एंड 100 लेके देखो, देन 200 लेके देखो, 300 लेके देखो, एंड 300 एंड अबव, मतलब ठीक है 300 ही। कैन यू फाइंड कॉस्ट एट दीज 5 लेवल्स? सब लोग आरओ क्यू का वैल्यू है ना, क्योंकि ऑर्डर साइज दिया है, देखो नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं दिए, तो सब लोग कैन यू फाइंड कॉस्ट एट दीज 5 लेवल्स टेबल करके? नहीं नहीं अभी नहीं, होमवर्क, बट ये नोट करो कहीं पे, क्योंकि अगर किसी ने अलग किया तो होमवर्क चेक करने में प्रॉब्लम आएगा, अलग कर सकते हो नो प्रॉब्लम, बट एक्सट्रीम लेवल्स तो वैसे भी हमें चेक करने पड़ेंगे, तो उतने ही करते हैं फिर। तो ये करो होमवर्क के लिए, इतने लेवल्स पे आपको कॉस्ट निकालना है, एंड ईओ की भी पूछा है, इफ देर आर नो क्वांटिटी डिस्काउंट एंड प्राइस इज दिस मच, वो तो निकाल सकते हो सब लोग। तो 17th होमवर्क है आज के लिए। आकांक्षा आ गई क्या आप? अब दिख रहा है ठीक से? यस, अगर प्रॉब्लम बहुत ही हो रहा है आकांक्षा तो रिकॉर्डेड देखो नो प्रॉब्लम, बट देखो प्रेफरेबली मत करो ऐसे, क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम टू क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ। आदित्य लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट एक्स यूजिंग अ रॉ मटेरियल डी। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स 2 kg ऑफ डी इज रिक्वायर्ड। एज पर द सेल्स फोरकास्ट कंडक्टेड बाय द कंपनी इट विल बी एबल टू सेल 10,000 यूनिट्स ऑफ एक्स इन द कमिंग ईयर। द फॉलोइंग इज द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रॉ मटेरियल डी। रीऑर्डर क्वांटिटी इज 200 kg लेस देन ईओक्यू। मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इज 20 kg मोर देन एवरेज कंजम्पशन पर डे। देयर इज एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1,000 kg। टाइम रिक्वायर्ड टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर्स इज 4 to 8 days। परचेज प्राइस इज 125 per kg। देयर इज एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ 900 units ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट एक्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन कैश क्रेडिट फैसिलिटीज 13.76%। टू प्लेस एन ऑर्डर कंपनी हैज टू इनकर 720 rupees ऑन पेपर एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क। फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन फाइंड फॉलोइंग्स इन रिलेशन टू रॉ मटेरियल डी। आर ओ क्यू मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल एंड कैलकुलेट इम्पैक्ट ऑफ नॉट ऑर्डरिंग एट ई ओ क्यू। सिर्फ आपको ये निकालना है, यू हैव मे बी 15-20 मिनट्स, लेट्स सी हू कैन गेट करेक्ट आर ओ क्यू। अब वैसे ये क्वेश्चन है, मतलब सोचना पड़ेगा आपको, अब तक कि बैचेस में बहुत कम लोगों का आया है करेक्ट आंसर, मतलब व्हेन आई हैव टोल्ड यू टू सॉल्व, लेट्स सी आप में से किसी का आता है क्या विदाउट मी एक्सप्लेनिंग। मैं एक भी चीज नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स ट्राई टू सॉल्व। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ले रहे हो स्क्रीनशॉट, फिर मैं स्क्रॉल करता हूँ उसका भी स्क्रीनशॉट लो।
डाउट, पहले ही डाउट बोलो। अच्छा आरओ क्यू 200 लेस देन ईओ क्यू, मतलब जो भी ईओ क्यू आएगा उससे 200 से कम है आरओ क्यू, मतलब काव्या वो हाँ, लेकिन मतलब कहने से ये कंपनी जो है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के जितना नहीं कर रही है ऑर्डर, इसका मतलब राइट right. मतलब कहना है से काव्या देखो, ईओ क्यू पे कॉस्ट सबसे कम आता है करेक्ट, तो ये ईओ क्यू पे नहीं ऑर्डर कर रहे, ईओ क्यू से 200 कम ऑर्डर कर रहा है, मतलब कहने से इनके कॉस्ट बढ़ेंगे उसके वजह से राइट right. एंड काव्या मुझे बोलो लास्ट पॉइंट में वही पूछा है क्या, देखो डी पॉइंट राइट right, तो वो करेंगे तब, लेकिन पहले आरओ क्यू निकालो, ईओ क्यू निकालना पड़ेगा उसके लिए। चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मतलब बुक में नहीं देखना है तो लिया क्या, अदरवाइज वो पीडीएफ में देखो डायरेक्टली, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। यू हैव 15-20 मिनट्स, जो भी आपके ईओ क्यू के आंसर्स आए मुझे बोलो, करेक्ट है तो मैं बोलता हूँ, नहीं तो मैं वापस बोलूंगा राइट। लेट्स सी इफ एनीवन कैन गेट करेक्ट ईओ क्यू। अटेम्प्ट्स काउंट नहीं होंगे, बट मैं एक भी हिंट नहीं देने वाला हूँ एंड तक, डायरेक्टली मैं एक्सप्लेन करूंगा तभी, तो देखते हैं किसका करेक्ट आता है। देखते हैं, मतलब मेरा पेशेंस टेस्ट करोगे आप लोग ना। सोचो कैसे भी, ईओ क्यू या आरओ क्यू दोनों बताओ, आरओ क्यू 200 से कम होगा बस, कुछ भी बताओ वापस। एक्चुअली इसमें क्लोज का यूज नहीं होगा, क्योंकि रूट देते ना तो क्या, नो 1294 रॉन्ग, वापस सब लोग बोलो जो जो आएगा, सो दैट मुझे भी वापस बोलने का चांस मिलेगा बहुत।
158.85 वापस, चलो दो वापस हो गए। वन टू सिक्स वन वापस, नो हिंट्स वापस, नहीं नो हिंट्स वापस करो। अच्छा बट ठीक है, इतना बोलना है तो बोलता हूँ कि हंड्रेड्स में नहीं है प्रगुन, डेफिनेटली। वन टू सिक्स फोर वापस, ट्राई ट्राई, लेट्स सी। आकांक्षा, काव्या, विश्वजीत, एनीथिंग? ओके करो करो, टेक योर टाइम, नो इश्यूज, लेट्स सी। हाँ यो क्यों ही निकालना, बाकी का करेंगे हम एक साथ। हाँ बोलो काव्या, बोलो। टू टू थ्री से वापस वापस वापस, अच्छा पांच बार वापस हो गया। वन टू थ्री फोर वापस। विश्वजीत, आकांक्षा, कुछ आंसर? ओके ठीक है करो। क्या क्या बोला आकांक्षा तुमने? वापस बोलो, ब्रेक हुआ आवाज।
should we solve? ओके रुकता हूँ रुकता हूँ। वापस ओके नहीं आ रहा है। ओके एनी वन एल्स या शुड आई सॉल्व या और टाइम चाहिए सॉल्व करूं? अरे यार क्या आप लोग भी ठीक है सर ट्राई करके आओगे? नहीं चेक कर लेते क्योंकि थोड़ा सा अलग है मतलब एक्चुअली आना चाहिए था मतलब आपको बट मतलब इट इज नॉट इजी थोड़ा सोचना सोचने जैसा है। करते करते चलो अभी कर देते हैं। अब 100% कॉन्फिडेंस रहिए। ये क्वेश्चन को भी स्पेशल में ऐड कर देंगे क्योंकि अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल ईओ क्यू के फॉर्मूला में बाकी सब डायरेक्टली दिया है एक्सेप्ट फॉर क्या? सिर्फ डायरेक्टली नहीं दिया है ईओ क्यू के फॉर्मूला में, कैरिंग कॉस्पोरेंट भी तो दिया है काफी। देखो परचेज प्राइस इनटू ये परसेंटेज, ये कैरिंग कॉस्ट आएगा ना काफी राइट? तो कैरिंग कॉस्ट तो दिया है। हाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दिया है, एनुअल रिक्वायरमेंट नहीं दिया उन्होंने डायरेक्टली, तो एनुअल रिक्वायरमेंट पहले निकालते हैं अलग से। कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली। अब हमारी फिनिश प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है एनुअल? हाँ एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश प्रोडक्ट का नाम क्या है हमारे? एक्स नहीं डी एक्स है। सो एनुअल डिमांड ऑफ एक्स इज 10,000। बट मुझे बोलो 10,000 डिमांड है तो हमें 10,000 यूनिट्स नहीं बनाने पड़ेंगे लेकिन क्यों? करेक्ट, हमारे पास 900 यूनिट्स का ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक है। वी ऑलरेडी हैव 900, ओके कंसीडर वी हैव ऑलरेडी हैव 900 यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ दैट फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब हमें वो ओपनिंग स्टॉक माइनस करना पड़ेगा। ये शायद तुमने किया था तब राइट? हाँ देखते हैं ना। मतलब हमें कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा
एनुअल प्रोडक्शन कितना आएगा फिर? एनीवन? कितना आएगा एनुअल प्रोडक्शन एक्स का? इज इट 9100? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यहां तक कि डिमांड है, इसका मतलब प्रोडक्शन सेम नहीं होगा, क्लियर है क्या? ठीक है, अब हाँ देखते हैं, अल्ताफ जस्ट सेकेंड। 9100 एनुअल प्रोडक्शन करने के लिए मुझे बोलो, रॉ मटेरियल उतना नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि मैंने रॉ मटेरियल को बोला है टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स, 2 kg ऑफ डी इज रिक्वायर्ड। मतलब अब रिक्वायरमेंट ऑफ डी जो है, रिक्वायरमेंट से बेटर वर्ड आई कैन से कंजम्पशन ऑफ डी, कि इतना रॉ मटेरियल हमें यूज करना पड़ेगा। कितना? कैन से 9100 इंटू टू, हाउ मच इज दैट? 18,200 केजीज। बट द प्रॉब्लम इज, हमें इतना परचेस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसका भी ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास। कितना है ओपनिंग स्टॉक इसका? 1000 kg इसका भी ओपनिंग स्टॉक है। हाँ, अब कैन आई से एनुअल परचेस रिक्वायरमेंट सिर्फ 17,200 है। देखो, डस एवरीवन एग्री? 100% क्लियर है क्या सबको? प्रगुण, आकांक्षा? ठीक है, फिर अब एनुअल रिक्वायरमेंट तो है, अब यो क्यों निकाल सकते इजीली? यो क्यों भी रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 720, नहीं 720 डिवाइड बाय 125 इंटू 13.76%। 720 डिवाइड बाय 125 इंटू 13.76%, चेक इफ यू आर गेटिंग 1200 केजीज। क्लोज थे कुछ भी? हाँ, 134। ठीक है, ईओक्यू में क्लोज का क्या फायदा? लेकिन ना अल्ताफ, तुम्हारा जो 1 2 3 4 आ रहा था ना अल्ताफ, वो इसके वजह से आ रहा था, ये ले रहे तुम, इसके वजह से आ रहा था। हाँ, राइट, ओके। तो इसका आरओक्यू कितना आएगा इस कंपनी का? 1000, राइट? मतलब ऑल्दो उन्होंने 1200 ऑर्डर करना चाहिए, वो 1000 ऑर्डर कर रहे हैं एक बार। मतलब ऑब्वियसली उनका कॉस्ट उसके वजह से बढ़ने वाला है, वो उन्होंने पूछा है, आगे वो करेंगे। ठीक है, कैन वी प्रोसीड टू सेकेंड पार्ट? चलो, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का क्या है देखते हैं। सेकेंड पार्ट में दे आर आस्किंग मैक्सिमम स्टॉक लेवल, अगेन फाइंड बाय योरसेल्फ, टेल मी द आंसर। अगेन सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। दो चीजें नहीं है इस फॉर्मूला में से, कौन सी दो चीजें नहीं है? आरओएल भी नहीं है और मिनिमम कंजम्पशन भी नहीं है। ठीक, देखते आंसर बोलो फाइनल।
फाइनल आंसर मैक्सिमम स्टॉक लेवल का आंसर। लेट्स सी, वापस मुझे वापस बोलने का चांस मिलने वाला है, देखते। आरओ क्यू मतलब 1000 लेना पड़ेगा आपको, 1200 लेके नहीं चलेगा। हाँ बोलो। अच्छा अब देखो वन मतलब व्हाट काव्य सेइंग लॉजिकली वैसे करेक्ट लग सकता है कि 1000 केजीज था ओपनिंग स्टॉक और फिर हमने ऑर्डर प्लेस किया, इसलिए आरओएल भी 1000 बोलना चाहिए। बट काव्य मुझे बोलो, ऐसा कहीं पे बोला है कि उन्होंने ऑर्डर फर्स्ट डे को प्लेस किया है? नहीं, मतलब शायद ऐसा भी हो सकता है काव्य कि ऑर्डर उन्होंने आज फर्स्ट डे सपोज साल का, इज इट पॉसिबल काव्य कि ऑर्डर उन्होंने 2 दिन पहले ही प्लेस कर दिया है? या फिर ऐसा भी पॉसिबल कि ऑर्डर अभी प्लेस करने वाले हैं वो कुछ दिन बाद, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना रहा है? नो क्लोजिंग स्टॉक कौन सा, क्या बोल रहे हो क्लोजिंग स्टॉक? नो वापस। रुको निकालता हूँ। नहीं, मिनिमम मैक्सिमम कंजम्पशन रॉन्ग आया तुम्हारा। सोचो लॉजिकली सोचो। ठीक है, किसी का कंजम्पशन आया तो मुझे बोलो, एवरेज कंजम्पशन किसी का आया तो मुझे बोलो, हाउ मच इज एवरेज कंजम्पशन, क्योंकि फिर तो सब कुछ आएगा आपका आइडिया में। फिफ्टी या 55? एक बोलो फिर बोलता हूँ। अच्छा तो ऐसे एक एक करके बोलोगे, 55 से नहीं आया था तो 50 करके देख। 50, 50 तक आंसर। एनीवन एल्स? कंजम्पशन काव्या विश्वजीत प्रगुन कंजम्पशन। यस नो पता नहीं। ओके देखो कॉन्सेंट्रेट। ओके हाँ नहीं वो करो आगे। विश्वजीत कंजम्पशन हमें निकालना है। आप कंजम्पशन मतलब कि कितना मटेरियल यूज करने वाले हैं हम डेली, डेली नहीं वीकली होगा ना शायद, डेली है ठीक है, डेली कंजम्पशन हमें निकालना है। तो मुझे बोलो विश्वजीत, एनुअल कंजम्पशन कितना है हमारा रॉ मटेरियल का, एनुअली कितना कंज्यूम करना पड़ेगा हमें? नहीं अब 17,200 में प्रॉब्लम क्या है, वो उतना परचेस करने वाले हैं हम, लेकिन यूज कितना करने वाले हैं? क्योंकि हमें अभी कंजम्पशन चाहिए ना,
कंजम्पशन मतलब क्या कि कितना यूज करने वाले वो चाहिए, तो हम 17,200 परचेस करने वाले, बट हमारे पास ऑलरेडी 1,000 है ना, तो हम यूज कितना करने वाले साल में फिर? विश्वजीत नहीं ना, देखो 1,000 ऑलरेडी है विश्वजीत हमारे पास, और 17,200 परचेस किया, मतलब पूरे साल भर के लिए कितना मटेरियल है हमारे पास? 18,200 कैन से दिस, एंड दिस इज व्हाट विल कंज्यूम, ये इतना प्रोड्यूस करने के लिए, समझा? तो कंजम्पशन निकालने के लिए डेली निकालना है अगर, तो 18,200 यूनिट्स पर एनम डिवाइड बाय, एक साल में 364 डेज है बोलते हैं वो लास्ट लाइन पे, तो डिवाइड बाय 364 किया तो एवरेज कंजम्पशन कितना आएगा फिर? फिफ्टी केजीज पर डे, तब करेक्ट आंसर वो, ठीक है। अब 50 kg एवरेज कंजम्पशन है, अब सब कुछ निकाल सकते हो, क्योंकि उन्होंने बोला है मैक्सिमम कंजम्पशन इज 20 kg मोर देन एवरेज कंजम्पशन, तो फिर मैक्सिमम कंजम्पशन कितना आएगा? एंड मिनिमम कंजम्पशन कितना आएगा फिर? 20 कम आएगा फिर मिनिमम कंजम्पशन, राइट? तो 30 आएगा, हाँ बोलो क्या? नहीं समझा, ये नहीं समझा। 50 अगेन, एक बार देखो, हमें कंजम्पशन निकालना है पर डे। मुझे बोलो काव्या, पूरे साल में कितना मटेरियल कंज्यूम करते हैं हम रॉ मटेरियल? एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड कंज्यूम करते हैं, तो पर डे कितना कंज्यूम करते हैं फिर? लीड टाइम डेज में ना, तो ये भी पर डे निकालना पड़ेगा, तो आया क्या 50? एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड डिवाइड बाई 364 डेज, फिर मैक्सिमम और मिनिमम आएगा क्या बोलो? क्योंकि उन्होंने बोला है मैक्सिमम इज 20 मोर देन एवरेज। निकालो मैक्सिमम मिनिमम। अब आरओएल भी आ सकता है, क्योंकि आरओएल इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। विश्वजीत यहाँ पे आरओएल कैसे आएगा बोलो? क्या 400 है आरओएल? 400 नहीं ना प्रगुल, मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? 70 kg पर डे इनटू, हाँ करेक्ट, 560 इज करेक्ट, इनटू मैक्सिमम लीड टाइम इज 8 डेज, तो 70 × 8 आरओएल आएगा, प्लस आरओक्यू तो 1,000 है उनका, माइनस मिनिमम कंजम्पशन तो 30 निकाला है हमने, और मिनिमम लीड टाइम 5 नहीं कितना है, 4 डेज है, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना आ रहा है फिर? चेक इफ इट इज 1,440 kg। ओके, सबका आया क्या? 1,440। विश्वजीत अब समझाया क्या? क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट जो ने अब मिनिमम स्टॉक लेवल पूछा है, वो तो एक सेकंड में आना चाहिए अब। मिनिमम स्टॉक लेवल इज आरओएल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। ओके देखते हैं, 560 केजीज माइनस एवरेज कंजम्पशन 50 है इनटू एवरेज लीड टाइम है 8 और 4 का एवरेज, मतलब 6 डेज, तो 560 माइनस 300, 260 kg करें,
क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब लास्ट लास्ट पीच छोटा सा ही क्वेश्चन है। कैलकुलेट द इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी बाय नॉट ऑर्डरिंग द ईओक्यू। टेबल बना सकते हैं क्या? क्या स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट्स? ईओक्यू पे करते तो कितना आता, एंड आरओक्यू पे कर रहे हैं उनके तो कितना आ रहा है? मतलब अगर 1000 यूनिट्स का, सॉरी 1200 का रखते तो कितना आता केजीज का, एंड 1000 का रख रहे तो कितना आ रहा है? निकल ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, अब तक आना चाहिए था। क्या अच्छा, हाँ करो, लिखो लिखो फिर आओ। यहां तक आए सब लोग तो बोलो मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बोलो, क्योंकि हाँ किस क्या लेंगे, एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल कंजम्पशन? नहीं अब कंजम्पशन नहीं, अब रिक्वायरमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें परचेस 18,200 नहीं करना है, परचेस हमें अब 17,200 ही करना है। तो अब ये कैलकुलेशन करते हो 70, तो कंजम्पशन नहीं है लगता, वो रिक्वायरमेंट है, लेकिन कंजम्पशन भी बोला तुमने। अच्छा ऐसा है क्या? कैन यू टेल मी ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं? थ्री मतलब कितने लेंगे उसको अप्रोक्सीमेट करके? 14 नहीं ले सकते, उसको राउंड अप ही करना पड़ेगा, हमेशा 15 ऑर्डर्स करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑर्डर एक्स्ट्रा ही करना पड़ेगा हमें वो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। निकालो फाइनल आंसर सब लोग। करंट आरओ When you're done, check from the screen. तब तक मत चेक करो।
Brno. Okay. Yes. विश्वजीत, ओके, सिर्फ इतना करके छोड़ नहीं सकते। उन्होंने पूछा है, कैलकुलेट इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी बाय नॉट ऑर्डरिंग दैट एट ईओक्यू। मतलब कि प्रॉफिट कितने से कम होगा, कॉस्ट कितने से बढ़ेगा ईओक्यू पे ऑर्डर नहीं किया तो। कितना डिफरेंस है दोनों में? करेक्ट। तो कहने से डिक्रीज इन प्रॉफिट इज ₹440 ड्यू टू नॉट ऑर्डरिंग एट आरओक्यू। सो डिक्रीज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है ₹440 से बिकॉज हम आरओक्यू पे ऑर्डर नहीं कर रहे। एनी डाउट्स एनीवन? मॉड्यूल इंस्टीट्यूट के, हाँ, फर्स्ट ग्रुप भी कर दो ऑर्डर या दोनों भी कर दो। सेकंड ग्रुप का वैसे भी चेंज नहीं होता है, साल में जनवरी में ही चेंज होता है, तो हो गया आपको ऑलरेडी चेंज। हाँ करेक्ट ना, वो अलग देते हैं फिर। अमेंडमेंट्स का बुक अलग से आता है विच यू कैन रेफर, और अमेंडमेंट्स क्या टैक्स भी यूनिवर्सल, और लॉ आता है मतलब घर पे नहीं, ऑनलाइन। हाँ कर लो ऑर्डर, चलेगा। चलो स्पेशल एडजस्टमेंट्स पे आओ, लास्ट पेज पे। वहां पे क्या लिखोगे? लिखो इन केस ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स आर गिवन, इन केस ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स आर गिवन, कैलकुलेट क्वांटिटी टू बी परचेस्ड, क्वांटिटी टू बी परचेस्ड फॉर ईओक्यू एंड क्वांटिटी टू बी कंज्यूम्ड फॉर कंजम्पशन। ओके, अब ये परचेस्ड एंड कंज्यूम ना, आपको कुछ चैप्टर्स के बाद इतनी आदत हो जाएगी इसकी कि फिर आपको वो डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं। अभी जैसे जैसा लगा वैसे फिर आपको ऐसे लॉजिकली समझेगा कि नहीं, अच्छा ये माइनस करना है, ये ऐड करना है। अभी थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है शायद कि अच्छा नहीं, इतना स्टॉक है तो माइनस करो, बट थोड़े चैप्टर्स के बाद जब ये बहुत बार आने लगेगा, परचेस्ड कंज्यूम्ड, परचेस्ड कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको इतनी आदत हो जाएगी, फिर वो आपको लॉजिकली समझेगा। मतलब हर बार मतलब अभी लॉजिकली समझा है बट सोचना नहीं पड़ेगा मतलब इतना। रेफरेंस दो क्वेश्चन का, कौन सा क्वेश्चन था? 25 ऑफ क्वेश्चन बैंक। इसमें ना नहीं, ये भी लिखा है कि थर्ड थर्ड लास्ट। हाँ इतना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, भगवान इतना लिखा है आज लास्ट पेज पे। हाँ पहले तो नहीं, वो पहले ही लिखा था ना, लेकिन आज का बोल रहे हो वाला था आज का। अच्छा नहीं, तुम पहले से बोल रहे हो क्या प्रगुण? आज का ना, आज इसमें 3 ही लिखे। हाँ वो लिखा ना, 3 ही आज के। हाँ हाँ इसीलिए उसने रिकॉर्ड देखा होगा ना।
चलो देखो 22 पे आप होमवर्क लो, दो होमवर्क से आज अब तक कौन से 17 एंड 22 करेक्ट, एंड 20 भी होमवर्क है। नहीं, सिर्फ तीन है, छोटा सा है वो। 20 जो है ना, 22 वो तो 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, 17 जो है वो एक 5 मिनट का क्वेश्चन है, और ये 20 भी एक 4 मिनट का क्वेश्चन है, तो बस 10 मिनट लगेंगे आपको बस। हाँ ओके चलो लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं आज के लिए, एक या दो छोटे से क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही ओरली किए तो भी चलेगा ऐसे क्वेश्चन से। हाँ क्वेश्चन 21, रीऑर्डर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एक्स इज 5000 केजीज, मैक्सिमम लेवल इज 8000 केजीज, मिनिमम यूसेज इज 50 केजीज पर आवर, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड इज 4 डेज, डेली वर्किंग आवर्स इन फैक्ट्री आर 8 आवर्स, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट आरओएल। पढ़ो, सॉल्व करो, फाइनल आंसर बोलो, लॉजिक लगाओ। निकालो फिर, अब तक आना चाहिए था। अच्छा नहीं लगा ना, यही आएगा तब तुम्हें एग्जाम। थर्टी टू हंड्रेड, लेट मी चेक, नहीं काव्या, समथिंग डिफरेंट। किससे निकाल रही हो काव्या तुम, बोलो। करेक्ट, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला आपने यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें आता है वो आरओएल। चलो करते हैं एक साथ, मैक्सिमम लेवल 8000 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है एनीवन? आरओक्यू, आरओक्यू मतलब 5000 प्लस आरओएल, ये ऐसा एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में प्रॉपरली लिखना है, माइनस व्हाट? मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। अब प्रॉब्लम क्या है देखो, मिनिमम कंजम्पशन पर आर है, मिनिमम लीड टाइम डेज में है। हाँ डेज में करना पड़ेगा इतना। 4600 इज करेक्ट, गुड विश्वजीत। देखो 50 केजी पर आर है, इंटू 8 आवर्स करना पड़ेगा, सो दैट एक दिन का कंजम्पशन आएगा, इंटू 4 डेज करना पड़ेगा, करेक्ट काव्या? तुमने वो नहीं किया शायद ना। इंटू 4 डेज ये नहीं किया था ना काव्या तुमने, इसकी वजह से आ रहा था ना। हाँ ओके ओके, देखो सबका 4600 केजीज अब आ रहा है क्या? ये पर आर था, ये पर, ये डेज में था, तो उनको सिमिलर करके लेना पड़ेगा। ओके गुड, प्रगुन अल्ताफ आया सबका 4600। फाइन,
ये जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, अब वो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन है थोड़ा सा, देखो क्या है। एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्स इज 3.6 पर यूनिट। क्या है मतलब वो 3.6? कैन आई से CCPUP है, ये है मतलब वो, करेक्ट? हाँ। एंड इट्स टोटल कैरिंग कॉस्ट इज 9000 पर एनम। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट जो है वो बोला है 9000। देन व्हाट वुड बी ईओक्यू ऑफ मटेरियल एक्स इफ देयर इज नो सेफ्टी स्टॉक। मुझे बोलो टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे आता है? आरओ क्यू बाय 2 इनटू, मतलब कहने से 0.6, राइट? तो आरओ क्यू कितना का रीअरेंज करके, करेक्ट? कहने से वही आंसर है हमारा, क्योंकि और कुछ दिया है क्या उन्होंने इंफॉर्मेशन? नहीं, राइट? तो मतलब यही हो क्यों होगा हमारा, बस कुछ भी क्वेश्चन था वो। मतलब सेफ्टी स्टॉक का कुछ रिलेवेंस है क्या यहाँ पे एक्चुअली? क्योंकि सेफ्टी स्टॉक डज नॉट मैटर फॉर ईओक्यू, राइट? ईओक्यू के लिए सेफ्टी स्टॉक मैटर ही नहीं करता, तो ये ऐसे ही मतलब। अच्छा, एक रिलेवेंस आ सकता है, देखो। हाँ, एक रिलेवेंस आ सकता है यहाँ पे, देखो, कॉन्सेंट्रेट। अगर सेफ्टी स्टॉक है, अगर सेफ्टी स्टॉक है तो कैन आई से सेफ्टी स्टॉक को भी कैरिंग कॉस्ट आएगा? क्यों? क्योंकि सेफ्टी स्टॉक हमारे पास रहता है हमेशा के लिए, तो कैन आई से ये आरओ क्यू के साथ साथ सेफ्टी स्टॉक को भी कैरिंग कॉस्ट आएगा फिर? देखो, समझा? वो जो 9000 कैरिंग कॉस्ट होगा ना, फिर उसमें सेफ्टी स्टॉक का भी कैरिंग कॉस्ट इंक्लूडेड होगा। तो अब कल हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें सेफ्टी स्टॉक का भी कैरिंग कॉस्ट आएगा। अब तक आया क्या किसी क्वेश्चन में? नहीं। तो कल हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें एक सेफ्टी स्टॉक का कैरिंग कॉस्ट भी आएगा। अब तक नहीं आया मतलब क्या? अब तक था वो, लेकिन हमने निकाला नहीं क्योंकि पूछा ही नहीं था कहीं पे। अब तक वो क्या कर रहे थे कि ईओक्यू का कॉस्ट निकालो, ऐसा बोल रहे थे। तो उसमें सेफ्टी स्टॉक का कुछ लेना देना नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे थे। बट अगर पूछा तो यू शुड नो कि सेफ्टी स्टॉक को भी कैरिंग कॉस्ट आएगा, वो कल देखेंगे एक क्वेश्चन में। क्लियर? ठीक है देन, इफ देयर इज नो अदर डाउट देन लेट स्टॉप फॉर टुडे, विल मीट टुमारो। तीन होमवर्क है, तीनों करके आने हैं सबने कंपलसरी, क्योंकि अगर वो करके आए तो ही कल हम ये खत्म करके नेक्स्ट कंसेप्ट पे जा पाएंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट मतलब रिलेटिव क्लासिफिकेशन। ओके, चलो देन, बाय एवरीवन। यस, बाय बाय।